और आप यहाँ पर आए, आपका आभार। हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नन्नेरा जी यहाँ मौजूद हैं और इसके फार्मेसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हनुमान जी बाजिया मौजूद हैं। उसके अलावा मंचस्थ जो भी मेरे साथी हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने आकर के आज के आयोजन की शोभा बढ़ाई। सामने विराजमान मेरे जितने भी फार्मेसी भाई या इनके साथ आए हुए जो भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि जिस टाइम में मैं केमिस्ट था वो था 1960। उस टाइम के अंदर मैंने हाई स्कूल की थी जयपुर से, और उसके बाद में मैं दवा के धंधे में लग गया। उस टाइम में मेडिकल स्टोर जो भी थे, इसके ड्रग स्टोर नाम नहीं होता था, हर दुकान पे फार्मेसी होता था। उस टाइम में ड्रग इंस्पेक्टर भी नहीं हुआ करते थे, बाहर से आते थे इंस्पेक्शन के लिए। तो शुरू से एक सरदार जी प्रीतम सिंह जी शिकर पधारे, उन्होंने कहा कि सब हटाओ अपने बोर्ड, भाई क्यों है, खे आप कौन सी डिस्पेंसिंग करते हो, आप दवा बेचते हो, ड्रग्स रखते हो, इसलिए इसका नाम ड्रग स्टोर रखो। और उन्होंने सबके मेडिकल स्टोर के फार्मेसी मेडिकल स्टोर सबको हटवा करके ड्रग स्टोर करवा दिया। उसके बाद में मैं 1966-67 अपने आर सी प्रेसिडेंट आर बी पुरी साहब के साथ भी जयपुर में काम किया, और 1968 से मैं यहाँ हूँ। आज मेरे 50 साल केमिस्ट लाइफ इसी एक बात पर पूरी कर दी है। इन सब में आप सभी का सहयोग रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब फार्मेसी के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता हुई, उस टाइम में 1970-71 की बात है कि मेरे को भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। मैंने कोई पढ़ करके फार्मासिस्ट नहीं बना हूँ, मुझे एक्सपीरियंस के आधार पे फार्मासिस्ट बनाया गया है। तो मेरे को इंटरव्यू के लिए पिलानी बुला गया था। तो उस टाइम में इंटरव्यू के टाइम में कैसे जवाब सवाल होते हैं, दो शब्द हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे को इंटरव्यू कॉल मिला, उसमें टाइम लिखा था 10:30 PM। तो मेरे एक साथी जो मेडिकल पॉइंट पे बैठे सत्यनारायण जी विराज का, वो मेरी मौसी के लड़के हैं, उन्होंने कहा 10:30 PM लिखा है, वो अपन तो दवा के व्यापारी है, अपन AM और PM के समझते हैं, इसलिए अपने को रात को ही चलना हुआ। दिन में सब लोग इंटरव्यू के लिए पहुँच गए पिलानी, हम लोग शाम को पहुँचे। तो शाम को गए तो उन्होंने इसके साइंस फैकल्टी में डॉक्टर मित्तल के चैम्बर में हम पहुँचे। रात को 10:30 बजे अंधेरा था वहाँ पर, तो हमने देखा भाई टाइम देकर ठीक भी नहीं आए। तो एक नथमन सोनी हमारे क्लास फेलो का वो वहाँ लगा हुआ था, वो हमें ढूंढने के लिए आया था। तो ढूंढने के लिए आया तो उन्होंने कहा कैसे आए, उनको ऐसी बात है, बोले जयपुर से डॉक्टर डांडिया जी आए हुए हैं, साथ में ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट मिस्टर बेदानी आए हुए हैं, तो उनकी मौजूदगी में उनको वहीं पर चल के आपका इंटरव्यू दिला देते हैं। तो उनको पूछ के आए तो उन्होंने कहा नहीं, जब वो टेंट पे ही आए हैं तो अपन वहीं पे चलेंगे, उसी चैम्बर में हमें बुलाया। तो उनका पहला प्रश्न था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10:30 PM भी कोई इंटरव्यू का टाइम होता है क्या। तो मैंने उनको जवाब दिया मैं केमिस्ट हूँ और मुझे AM और PM का ध्यान है, जब रात को सोने की गोली देनी होती है, और यदि मैं AM पे बता दूँ तो वो दिन में सोएगा रात को देखेगा। तो उनका जवाब था कि आपके फाइल पे रोक लगा दे, सीकर के दो लड़के आए थे वो इन टाइम थे, बाकी सब रिपोर्ट आए थे, वो ये आपकी कलम है, आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें हमारा अधिकार नहीं है। उन्होंने पहला प्रश्न किया मुझे कि मार्जिन क्या होता है, हम मार्जिन बोले थे, तो मेरे कहा हम दवा बेचते हैं, जो कुछ मुनाफा मिलता है उसको मार्जिन कहते हैं। एक ब्रूस वेल कंपनी की गोली आती है उसका नाम भी मार्जिन है। तो उन्होंने 250 किलोलिन के लिए मुझे पूछा, तो मैंने कहा इस बाकमती की इम्प्रोवाइज फॉर्म है। तो उन्होंने 2 आइटम और पूछे, 4 आइटम पूछ करके और मेरा सिलेक्शन उसने कर दिया। उसके बाद में दूसरों का जो नंबर आया तो उनसे कहा कि आपका इंटरव्यू पहले वाले ने दे दिया है, इसे आप भी सिलेक्टेड। और 1972 में मुझे सर्टिफिकेट दिया गया था। उस टाइम राजस्थान फार्मेसी कमीशन नहीं थी,
उस दिन राजस्थान फार्मेसी ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के नाम से था और मोहम्मद इसाक जी थे वो सर्टिफिकेट इशू करते थे। उसके बाद में तो हमने यहाँ एसोसिएशन का गठन भी किया क्योंकि पुरी साहब के साथ में रह करके हम जयपुर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। और अब मैं जो मुख्य बात जो कहना चाहूँगा वो ये कहूँगा कि जो कुछ बात है हम तो सर्वेश को सुनने के लिए आए थे कि इनसे सुन करके हमें भी कुछ शिक्षा मिलेगी। ये शिक्षाविद है और शिक्षाविद सब कुछ बता सकते हैं। इन्होंने जितनी भी बातें बताई है उन पूरी बातों का हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आजकल केमिस्ट के अलावा सोशल सर्विस में चला गया, उसमें थोड़ा सा केमिस्टों का दायित्व भी है। उसके लिए मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि ये ब्लड डोनेशन का मामला है, आई डोनेशन का मामला है, बॉडी डोनेशन का मामला है, इस रोड केमिस्ट लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ऐसे मामले में आप मेरा सहयोग करें। और एक विशेष समस्या जो लोगों को आती है वो आती है किसी की डेथ होने के बाद में अंत्येष्टि की, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, डेथ के बाद में उनकी अंत्येष्टि जरूरी है। आजकल राज्य सरकार की तरफ से एक योजना आई है कि किसी भी अंत्येष्टि यदि करनी होती है उसके लिए 5,000 रुपये एक अंत्येष्टि के लिए किराया कलेक्टर देते हैं। उसके लिए कभी भी ऐसी दिक्कत आए तो फॉरगेट मी नॉट। धन्यवाद। ये थे हमारे सिंगल फार्मासिस्ट, सबसे सीनियर फार्मासिस्ट, सबसे बुजुर्ग।